गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डगमग की तरफ से 3 जनवरी 2022 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक 7 दिन का एजुकेशनल और हिस्टोरिकल टूर मुनक्कित किया गया, जिसमें कॉलेज के मुख्तलिफ शोभों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले 14 तलबा व तालिबात को हिंदुस्तान की कई यूनियन टेरिटरीज और रियासतों में मौजूद तालीमी इदारों और तवारीखी जगहों की सैर कराई गई। जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंच के ही हमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी का म्यूजियम और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाई गई। टेक्नोलॉजी से लेस इस लाइब्रेरी में लाखों किताबें मौजूद हैं। अलग अलग शोबों की किताबें अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखी गई है। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए लाइब्रेरी में अलग से पढ़ाई की सहूलियत रखी गई है। यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में हमें बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिले। महात्मा गांधी की तरफ से लिखी हुई 1928 में डॉक्टर एम ए अंसारी को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में चिट्ठी और उनकी बेटी जोहरा अंसारी को लिखी हुई चिट्ठियाँ भी इस म्यूजियम में मौजूद है। इसके अलावा सबसे पहला हफ्तावार उर्दू अखबार जाम जहानामा भी इस म्यूजियम में प्रिजर्व रखा गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया देखने के बाद हमने जामा मस्जिद पहुंचना था। उखला से जामा मस्जिद तक का ये सफर भी हमने मेट्रो से ही किया। हम करीबन दिन के 5 बजे जामा मस्जिद पहुंच गए। हिंदुस्तान की ये सबसे बड़ी मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच तामीर करवाई थी। ये मस्जिद दिल्ली के शाहजहानाबाद में वाकया है, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। से तिजारती मराकज नजर आते हैं। जामा मस्जिद देखने के बाद हम लाल किले की तरफ निकल पड़े। दिल्ली में मौजूद ये किला मुगलों की मरकजी रिहाइशगाह हुआ करती थी। इस किले की तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शुरू करवाई थी, जब शाहजहां को रियासत आगरा से दिल्ली लाने की सूझी थी। लाल किले में बड़े पैमाने पर लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसे लाल किला नाम दिया गया। लाल किला मुगलिया दौर की हुनरमंदी का आकाश है। लाल किले को देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। ये बहुत सी तकरीबात का भी मरकज रहता है। लाल किले में जाने के लिए लाहौरी गेट से दाखिल होना पड़ता है।
इसके अलावा किले का उरेकटी दरवाजा है जिसे दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। किले के अंदर जाते ही एक बड़ी गुजरगाह में से गुजरना पड़ता है। इस गुजरगाह में बहुत सी दुकानें नजर आती हैं और इसे छत चौक कहा जाता है। छत चौक के बाद थोड़ी दूरी पर चलते ही दीवाने खास नजर आता है। दीवाने खास को शाह महल भी कहा जाता था। यहाँ बादशाह दरबारी और मेहमानों से मिलता था। जेके हाउस दिल्ली में दो रातें गुजारने के बाद हमारे अगले दिन का प्रोग्राम आगरा ताजमहल का था, जो कि दिल्ली से 221 किलोमीटर की दूरी पे वाका है। यूपी के शहर आगरा में वाका ताजमहल एक मकबरा है, जिसकी तामीर मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में 1632 ईस्वी में करवाई थी। हर साल इस तारीखी यादगार जगह को 30 लाख अफराद देखने आते हैं। ये तादाद हिंदुस्तान के किसी भी सियाती मकाम पर आने वाले अफराद के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ताजमहल मुगलियाती दौर के फन तामीर का एक अजीम शाहकार है और एक ऐसी बेमिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बना। मोहब्बत की ये लाजवाब निशानी शायरों, अदीबों, मुसव्विरों और फनकारों के लिए अगर वजदां का मुहर्रिक रही, लेकिन हकीकत में एक मकबरा है। ताजमहल के अहाते में दाखिल होते ही हमें आसपास मुगल दौर के कारीगरों के हाथों के कमालात, उनकी संतराशी और पिंजराकारी जैसी शक्लों में नजर आते हैं। संगमरमर से तराशा गया ये नमूना मुगल दौर की कारीगरी की एक उम्दा मिसाल है। ताजमहल देखने के बाद हम किला फतेहपुर सिकरी, जो कि मुगल सल्तनत के अजीम बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था, देखने के लिए चल पड़े। इस किले के अंदर इतिहास की मशहूर जोधाबाई और सलीम चश्ती जैसी हस्तियों के मजार हैं। इस किले का एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। बुलंद दरवाजे से दाखिल होते ही सलीम चश्ती की मजार पर नजर पड़ती है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखना हम लोगों का एक ख्वाब था। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद सर सईद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मद निंगलोर इंटर कॉलेज के तौर पे डाली थी, जो कि बाद में 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में दाखिल होते ही हमें उन सारे आलिमों, अदीबों, मुफक्किरों, दानिश्वरों और कलमकारों के दिखाए हुए कामयाबी के रास्ते नजर आने लगे, जो कि आला पाया यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता होकर निकले हैं। नई टेक्नोलॉजी से तर्ज तामीर इस उम्दा लाइब्रेरी में पढ़ाई का हर एक वसाइल दस्तियाब है। लाइब्रेरी में मौजूद म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही हमारी नजर मुगल दौर के बादशाहों की तरफ से जारी किए गए हुए फरमानों पर पड़ी। साथ ही हमने मुगल बादशाह औरंगजेब की तलवार, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे
हस्ती के रोजमर्रा जिंदगी के चीजें देखें, जैसे कपड़े, घड़ी, कैमरा, कलम वगैरह। पूरी यूनिवर्सिटी देखने के बाद हमें यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबे दिखाएंगे, जैसे हैवानियाती शोबा, लिसानियाती शोबा, रियाजी का शोबा, मौसीकी का शोबा वगैरह। गर्ज ये है, यूनिवर्सिटी में सरफ किया गया हुआ वक्त हमारे लिए बहुत ही कीमती और अहम साबित हुआ। हमारे टूर के सैर सपाटे का सातवां दिन था। प्रोग्राम के मुताबिक सर्किट हाउस जम्मू से हम बहु फोर्ट की तरफ रवाना हुए। बहु फोर्ट, जिसे बाग बहु के नाम से भी जाना जाता है, एक तवारीखी किला जम्मू शहर में वाका दरिया तवी के किनारे राजा जाम्बलोचन ने तामीर किया था। ये किला तारीखी जगह होने के साथ साथ एक मजहबी जगह भी है। किले में दाखिल होते ही बावे वाली माता का मंदिर भी वाका है। माना जाता है कि इस किले की पहली तर्ज तामीर डोगरा हुकूमत के दौर में महाराजा गुलाब सिंह ने करवाई थी। इस किले के नीचे एक एक्वेरियम भी मौजूद है। एक्वेरियम के अंदर दाखिल होते ही हमें बहुत सारी मछलियों के अकसाम देखने को मिले, जैसे स्टार फिश, पेंसिल फिश, लाइन फिश और डैमसल फिश। एक्वेरियम के अंदर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर बहुत सारी आबी प्रजातियों को महफूज रखा गया है। पूरे सैर सपाटे के बाद हम फिर से अपने सर्किट हाउस की तरफ रवाना हुए। सर्किट हाउस जम्मू में रात गुजारने के बाद प्रोग्राम के मुताबिक हम लोगों को अपना अपना सामान पैक करने के लिए बोला गया और बताए गए वक्त पे हम सर्किट हाउस जम्मू से रवाना हुए। NH-44 की बर्फीली पहाड़ियों के रास्ते से हमने वादी कश्मीर का रुख किया। गर्ज ये है कि ये टूर हमारे लिए बहुत सारी मालूमात का बाइस बना। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बागे बहु जम्मू देखना हमारे लिए तजुर्बे के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके हासिल करने का मौका साबित हुआ। ऐसे मौके फराहम करने के लिए हम प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग, प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन फारूक और टूर पे हमारे साथ कॉलेज की फैकल्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।